ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाला है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट. उसमें मैंने बताया था कि हाउ यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सो अभी ये जो मैंने जो दो रूट्स लिए हैं ये थोड़े टफ वाले लिए हैं, अगर आपको लगता होगा तो. अगर ईजी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. बट मैंने जानबूझ के ये लिया है जिसमें हमारे बच्चों को ज़्यादा डाउट आता है, ठीक है, बराबर. तो हमको क्या करना है, ये दोनों रूट्स दिए हुए हैं और इससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, राइट. क्या दिया हुआ है, दो रूट्स दिए हुए हैं, इससे क्या करना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बोल दिया, सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2. सही है, ये जो भी मैंने क्या बोला था, अल्फा क्या है, एक रूट. आपके पास दो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है. पहले कैसा था, इक्वेशन दिया था, अगर उसको फिर आप क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे और रूट्स निकाल रहे थे. अभी क्या दिया है, रूट्स दिया है और क्या बनाना है, इक्वेशन, ठीक है, बराबर. तो ये एक रूट अल्फा हो गया और दूसरा रूट बीटा हो गया. अभी सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है. क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स. देयरफोर मैं ऐसे बोलूँगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है. तो अल्फा का वैल्यू क्या है, हाफ है, प्लस 1/2 है, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन प्लस. और बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये प्लस और माइनस माइनस, और ये हो गया 1/2 विच इज़ नथिंग बट 0, ठीक है. अरे आधे में से आधा माइनस करोगे, 0 ही बचेगा इसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ये क्या था, सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो कर लेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, बराबर है, ठीक है, सही है. तो अभी क्या हो जाएगा इसके आगे, 1 × 1 = 1 माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि 1 × 1 माइनस, तो वही रहेगा. 2 × 2 = 4, ठीक है. तो आंसर क्या है इसका, −1/4, ठीक है. अभी क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स लो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, जो लेना है लो, ठीक है, लेकिन साइन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो मैंने बोला था आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. फिर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, 0, सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू आया था 0. तो इधर 0x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 हो जा रहा है ना, तो चलो ठीक है एक बार लिख देते हैं, ठीक है. प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया, −1/4, ठीक है. तो −1/4 इज इक्वल्स टू 0. बट वॉट विल बी द फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर ये तो हट ही जाएगा, ठीक है, ये प्लस भी हट जाएगा क्योंकि इधर माइनस है. तो −1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो इससे ये वाला क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, इसको और सिंप्लीफाइड वे में करना है तो ये 4 को हटा दो, मतलब मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 4x² − 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो सिंपल सा है, जैसे दिया था वैसे ही सॉल्व करना है. इसमें कोई मतलब लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है आपको, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट्स इट, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी मैं सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 − √5, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 + √5, ओके.
Now what I am going to do, I am going to take the sum of the roots. ठीक है, what will be my sum of the roots? 2 minus root 5 plus 2 plus root 5. ठीक है, अल्फा और बीटा के वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड कर दिया, तो ये देखिए, ये माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सेम साइड पे डिफरेंट सेम नंबर्स, क्या सेम साइड पे सेम नंबर्स विथ ऑल्टरनेट साइन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. तो ये देखो, सेम साइड पे हैं, सेम नंबर्स भी हैं, बट उल्टा साइन है, तो कैंसिल हो गए. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बचा है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इधर 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4. ठीक है, तो ये था क्या, सम ऑफ द रूट्स. नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5. अच्छा, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी? ठीक है, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अरे है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला भूल गए, ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको कैसे एक्सपांड करते थे, एक बार लिखते थे a प्लस बी और एक बार लिखते थे a माइनस बी. तो ये देखो, हमारे पास ऐसे फॉर्म में दिया है, ये वाले फॉर्म में दिया है, a माइनस बी a माइनस बी. ठीक है, और क्या दिया है, a प्लस बी a प्लस बी. सही है कि नहीं. तो आगे मैं इधर लिख लूँगा कि 2 स्क्वायर बराबर है, ठीक है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर, सिंपल. ठीक है, अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, इसका रीज़न तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल. मैथ्स इज ऑल अबाउट रीज़न. ओके, जितना आप सॉल्व कर रहे हो, जो जो स्टेप सॉल्व कर रहे हो, ये आपको क्या बताना पड़ता है, उसका रीज़न देना पड़ता है कि हाँ, इस वजह से ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, बराबर. तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देना a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज योर फॉर्मूला, राइट. उसके बाद 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5. तो आपको आंसर क्या मिला, माइनस 1. ठीक है, तो जो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट था, ये आपको मिला माइनस 1. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equals to 0. ठीक है, तो ये x square ऐसे ही रह जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा. ठीक है, alpha plus beta का value कितना आया था, 4 आया था, तो minus 4x. ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, माइनस 1. तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी क्या हुआ, इसमें कैसे सॉल्व किया, ठीक है, कोई भी चीज़ डिफिकल्टी वाली थी क्या, नो मैटर वेदर दे हैव गिवन रूट्स और रूट्स दें या फिर कुछ भी दें, बट प्रॉब्लम क्या है, हमको तो पता है, हमारा बेस क्लियर है. तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सा. सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली फार्मूला बस याद रखना है. उसमें भी क्या याद रखोगे, एक्स स्क्वायर याद रखो, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, और फिर माइनस प्लस, ये याद रखना. सम ऑफ द रूट्स बीच में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लास्ट में आएगा. ठीक है, पहला वाला साइन माइनस, उसके बाद प्लस, दैट्स इट. रेस्ट इज ऑल इजी. ओके, सो नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 जो है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ. ठीक है, टिल देन जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, ऐसे सॉल्व करना है ये पता कर लो. ठीक है, आप अपने हिसाब से भी ट्राई करो, अगर कोई अच्छा स्टेप मिले तो. थैंक यू.